Press the bell icon and never miss an update from Telly Masala. Okay, 1, 2, 3, start. It was Vikas Gupta who spotted me and said, she's too cute. So, aisa hota na ki... सो हाय फ्रेंड्स, तो नेहा फिर आ चुकी है यार सलून टाइम में, और इस बार कोई बहुत ज्यादा स्पेशल है मेरे साथ जिनके पास फाइनली टाइम मिल गया है सलून टाइम में आने के लिए, क्योंकि बहुत बिजी थी वो। और चलिए मिलते हैं उनसे और जानेंगे वो क्या करने मेरे सलून टाइम में आई है इस बार स्पेशली। तो नीति यहाँ पर मेरे साथ है। हेलो, फाइनली टाइम मिल गया सलून टाइम मिल गया, बहुत टाइम मिल गया। आई वाज जस्ट रेस्टिंग। अच्छा, क्या करने आए और कहाँ आए स्पेशली? सो अभी हम स्टाइल बार सलून आए हैं, यहाँ सात बंगला में है। सो मैनिक्योर एंड पेडिक्योर, क्योंकि मेरा बर्थडे आ रहा है तो इसलिए मैं थोड़ा अपने आप को पैम्पर करने वाली हूँ। एंड या ओके, तो यहाँ पे कोई स्पेशल भी है जो ये सब कुछ करेगा इनके साथ और बताएंगे कि और क्या क्या हम कर सकते हैं। प्लीज आइए ना। हाय गाइस, हम लोग नीति के लिए एक क्रिस्टल पेडिक्योर करने वाले हैं जो हमारा टॉप पेडिक्योर है, एंड मैनिक्योर करने वाले हैं जेल पॉलिश के साथ में। तो देखते रहिए एंड रिजल्ट क्या है। ओके, सो चले और देखें। चलिए और चलिए एंजॉय करने देते हैं हम नीति को, और साथ में हम लोग बातें भी करेंगे कि नीति की आगे की जर्नी क्या है और इससे पहले की जर्नी कैसी थी, क्योंकि आपको पता है सलून टाइम में ये हमारा बहाना होता है, बाकी हमको सब कुछ जानना होता है। आपको रखना पड़ता है अगर टाइम भी नहीं है तो, स्पेशली व्हेन यू आर डूइंग अ मेन लीड, तो यू आर वर्किंग 30 days a day, तो एक दिन भी नहीं मिलता है। तो इसलिए कुछ एकदम प्रोडक्शन को बैग वैग करके प्लीज़ कुछ तो करने दो, है ना, हालत बहुत टाइट हो जाती है। जो मेरा गुलाम था लास्ट टाइम, व्हाट आई वाज डूइंग, आई स्वेयर मैं पूरे मर्ड में होती थी। मेरे साथ पूरा एक तो अत्याचार होता था, तो उसमें जो मेरे पैरों की और हाथों की वाट लगती थी ना, ओनली आई नो आई नीड टू गो यू नो फॉर अ पेडिक्योर मैनिक्योर। एंड गाइस से मैडम कुछ तो कर लो, थोड़ा टाइम देता है, एक घंटे का टाइम है कर दो, एंड इट्स लाइक एक घंटे में सब करना था मेरे को। सो करना पड़ता है समटाइम्स, आई थिंक दीज आर द थिंग्स ऑफ बीइंग एन एक्टर। ओके, तो मतलब इतना सब कुछ। अगर नीति मैं बात करूँ जर्नी की, जैसे सब जानते हैं सलून टाइम में हम जर्नी के बारे में बात करते हैं, तो ये जर्नी कैसे चालू हुई, कब सोचा कि यार मुझे अब एक्ट्रेस की बनना है? मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा कि मुझे एक्टर बनना है। मेरा बस होता ना कि रॉन्ग फोन कॉल एट अ रॉन्ग टाइम, एंड मैंने बोला चल ऐसे देख लेते। तो बालाजी आई वेंट टू, एंड इट वॉज विकास गुप्ता हु स्पॉटेड मी एंड सेड कि आई वॉन्ट टू डू माई शो, शीज टू क्यूट। आई स्टिल रिमेंबर, मेरे पास वो पिंक सूट अभी भी पड़ा हुआ है जो मैं पहनती नहीं हूँ, लेकिन है, बिकॉज इट वॉज माई लकी चार्म टू स्टार्ट इट। एंड एक सीरियल में का बना था प्यार का बंधन, दैट वॉज माई फर्स्ट सीरियल, एंड नॉट अ मेजर रोल और व्हाटएवर, बट दैट वॉज ठीक है, बिकॉज मैं सिर्फ काम कर रही थी और कॉलेज भी था मेरा। बट आई रिमेंबर कि आई वॉज लाइक शिट यार, बड़ा मज़ा आ रहा है, आई वॉन्ट टू डू दिस। एंड मेरा हमेशा से प्लान था कि आई वॉन्ट टू बी अ टीचर, सो इवन आफ्टर फ्यू ईयर्स यू नो व्हेन एक्टिंग करियर गोज डाउन और जो भी है बैकअप प्लान तो हमेशा चाहिए होता है लाइफ में, तो आई विल बी अ किंडरगार्टन टीचर, बिकॉज वो मेरा अल्टीमेट ड्रीम है। बट जैसे व्हेन आई स्टार्टेड माई करियर आई थॉट कि दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू डू, आई टुक अ ब्रेक ऑल्सो थिंकिंग क्या कर रहे हैं लाइफ में, चलो अभी कॉल्स आ ही रहे हैं तो मौके का फ़ायदा उठा ही लेते हैं। ओके, अगर नीति मैं बात करूँ आपकी इस चमक भड़क दुनिया, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलती भी हैं, आप होते भी हो, तो उस जर्नी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? Oh, so yes, fame is never permanent. एक शो कैन मेक यू हिट, द सेकेंड शो कैन मेक यू, आप कहीं भी पहुँच सकते हो लाइफ में। और मेरे पापा और मम्मी ने हमेशा ये सिखाया कि लाइफ में जो भी मिले ना, ऑलवेज स्टे ग्राउंडेड, ज़्यादा वो फेम की वजह से यू नो भटक मत जाना, या डोंट रीच यू नो डोंट हैव एटीट्यूड एंड ऑल, सो दैट्स आई थिंक आई एम वेरी ग्राउंडेड आई एम, है ना। सो बट येस, बींग एन एक्टर इज़ नॉट ईजी, फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंस की बहुत ज़रूरत है, एंड जैसे आप अच्छा काम करते हो तो कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगता है, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है, सो इट्स लाइक आप सबको प्लीज नहीं कर सकते हो, लेकिन आप इस इंडस्ट्री में आए हो तो आप एंटरटेन करने आए हो, अपना काम करने आए हो, अभी जिसको पसंद आए आए, नहीं आए तो इट्स ओके, सबकी चॉइसेस डिफरेंट होती है। सो हाँ, आई हैव आल्सो गॉन थ्रू लॉट ऑफ बैशिंग इन लाइफ और लॉट, स्पेशली जब ये कैसी यारियाँ था, इवन गुलाम
इट्स लाइक बिकॉज यू हैव डन वन शो सो आपका पैर हिट हो गया है, बट आप सेकंड शो करते हो तो दे कैन नॉट सी यू. एंड इवन जो परम था तो उसका भी शो हिट था विद हर्षिता एंड माई शो वॉज हिट विद पार्ट. सो ये एकदम लॉर्ड ऑफ बैशिंग, ओ माई गॉड हाउ यू डिड दिस, हाउ कैन यू डू दिस, बट या अभी इट्स नॉट माई फॉल्ट. अभी एक्ट्रेस की कोई ऐसी जर्नी है, कुछ ऐसा हुआ हो जो मोमेंट जो अपने फैंस के साथ शेयर करना चाहेंगे, कोई स्पेशल ऐसा मोमेंट? कोई स्पेशल मोमेंट फैंस के साथ, आई थिंक जब मैं ऐसे यू नो बिकॉज आई एम अ वेरी नॉर्मल गर्ल, इफ आई एम नॉट लाइक आई एम एक्चुअली एन एक्टर ऑल्सो, बट आई डोंट आई जस्ट लिव वेरी नॉर्मली, सो आई विल ऑल्सो ट्रैवल इन एन ऑटो, आई विल वॉक, आई लव वॉकिंग. सो ऐसा बहुत टाइम हुआ है मैं ऐसे मॉल में गई हूँ एंड आई एम जस्ट वॉकिंग ऐसे एकदम, एंड देन दे कम टू यू नो मी एंड से ओ माई गॉड मैम आई एम योर फैन. एंड जब मेरे को कोई बोलता है कि आप बहुत नेचुरल एक्टिंग करते हो ना, आई थिंक दैट इज़ वेन आई लव इट, बिकॉज कैसी आरिया है टॉट मी कि एक्टिंग करने का मतलब ये नहीं कि आप एक्टिंग करो और आप सोचो, सो यू हैव टू फील द मोमेंट, सोचो कि आपके साथ अगर ऐसा होगा हो रहा है तो आप कैसे रिएक्ट करोगे. सो आई थिंक आई हैव ऑलवेज डन दैट एंड बट सीरियल्स में थोड़ा तो आपको नॉन्च उठाना पड़ता है, जैसे गुलाम में मेरे को थोड़ा और करना पड़ा था, सो दैट्स व्हाई एवरीबॉडी इज लाइक नीति व्हाट इज दिस व्हाट इज दिस, एंड आई वाज लाइक इट्स नेचुरल एक्टिंग डूड, बट या इट डजंट वर्क. बट थैंक यू गाइस कि यू गाइस सपोर्ट मी. आई वांट टू टेल यू गाइस वन थिंग, एक्चुअली इट्स बिकॉज आप लोगों की वजह से मैं इस मुकाम में पहुंची हूँ, इस पोजिशन में पहुंची हूँ. इफ आई वोंट हैव हैड यू गाइस आई डोंट थिंक मैं यहाँ तक पहुँच पाती, कोई मुझे जानता भी नहीं होता. You guys made me popular. You guys made the name Neeti Taylor, the brand Neeti Taylor. So thank you so much. I actually owe my success and everything to my fans. Cause actually, end mein Dev only made me who I am. So thank you guys, and I love you all a lot. And yes. बहुत अच्छा साउंड करता है, वो पता नहीं है लाइक मेरी मॉम डैड को भी लोग पहचानते हैं, बोलते हैं अरे आजकल नीति के पापा जा रहे हैं, नीति के मम्मी, एंड दे फील सो प्राउड यू नो. इट्स लाइक दिल्ली में जाओ तो इट्स ऑलवेज लाइक पापा का नाम एंड ऑल, सो नाउ इट्स लाइक फेमस फॉर नीति टेलर. या ओके नीति, फाइनली एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस लाइन में दोस्त बहुत कम बनते हैं. सो चांदनी के अलावा आई हैव सारिका, सारिका ढिल्लों, देन आई हैव क्षमता जी जो मेरी मदर इन लॉ बनी थी, फिर मेरी सेकेंड मदर इन लॉ जायदा जी. आई कीप वेरी फ्यू फ्रेंड्स क्लोज टू मी बिकॉज मैं सबसे बहुत अच्छी हो जाती पर कुछ हो जाता है मेरे साथ. आई थिंक मेरी लव फ्रेंडशिप के साथ तो बहुत ही बुरी है, पता नहीं कुछ दरारें बीच में आ ही जाती है. एंड बट आई वुड ऑलवेज वांट टू टेल पीपल, आई डोंट नो व्हाई पीपल हैव प्रॉब्लम विद मी, आई नो आई एम वेरी स्मॉल एंड लॉट ऑफ पीपल थिंक यार ये इतनी छोटी है इसको इतनी जल्दी यू नो मिल गया फेम एंड लक की वजह से. लक काउंट्स बट माई हार्ड वर्क ऑल्सो काउंट्स, और मैं किसी को यू नो बोलती फिरती नहीं हूँ अरे आई एम डूइंग दिस हार्ड वर्क, मैं ये कर रही वो कर रही, आई नेवर से एनीथिंग. हार्ड वर्क इज सपोज टू बी डन, सपोज टू बी नोन टू योर सेल्फ एंड जस्ट डू योर वर्क. एंड लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट आई एम नॉट हार्ड वर्किंग एंड ऐसे ही उसको मिल गया लीड कैसे बन गई, अब बन तो गई भगवान के आशीर्वाद से एंड ऑफ कोर्स माय हार्ड वर्क. आई आल्सो वर्क विद दैट. कैसी है यारिया के बाद गुलाम आए, ऐसा शो जहां पर सो पहले तो एक चैलेंज था बिकॉज मैं आई हैड टू प्ले अ गर्ल जो एक कुत्ते से भी डर जाती है, और नीति टेलर तो कुत्ते से डरती नहीं है, अभी तो खुद खरीद ही लिया और पाल भी रही है वो. ऐसा होता है कि इट्स वेरी चैलेंजिंग टू प्ले समथिंग दैट यू आर नॉट एंड दैट इज वाई. और मुझे इतना पता नहीं था कि इतना भी रोना था, बट इट्स ओके. आई थिंक एक्टिंग इज एन आर्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू हैव टू लर्न टू क्राई सीरियल करो आप सीख जाओगे रोना.
गाइस टेली मसाला से फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच बिकॉज आप मुझे यहाँ स्टाइल बार सलून लेके आए हो और मैंने बहुत सारी पैम्परिंग की है एंड आई एम बर्थडे रेडी सो मुझे बड़ा मज़ा आया एंड यहाँ की स्टाफ भी बहुत अच्छी है सो गाइस डोंट मिस आउट स्टाइल बार एट सेवन बंगलो सो डोंट मिस आउट कमिंग हियर How was I? मैं कैसी थी कैसी 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 क्लाइंट थी जनता जानना चाहती है नहीं यू आर वेरी स्वीट एंड नॉट एट ऑल यू नो फिनिकी ऐसे चाहिए वेरी स्वीट ऑफ यू थैंक यू निधि फॉर चूजिंग स्टाइल बाय सलोन होप टू सी यू सून आई विल श्योरली कम सून यस ओके एक छोटी सी बात में जाना चाहूंगी अगर लड़कियों को अपने ख्याल रखने की बात हो तो हाथों का कैसे तरह ध्यान रखें क्योंकि उस चीज पे कोई जल्दी ध्यान देता ही नहीं सी हैंड्स जैसे फेस निगलेक्टेड नहीं रहता है हैंड्स एंड फीट हमेशा निगलेक्टेड हो जाते हैं अपने हैंड्स एंड फीट को प्रिटी रखने के लिए आप रेगुलर मैनिक्योर्स करवा सकते हैं और पेडिक्योर्स करवा सकते हैं और स्टाइल बार आ सकते हैं और स्टाइल बार आ सकते हैं और एक्सपीरियंस कर सकते हैं एंड दे हैव द बेस्ट म्यूजिक जस्ट बाय द वे ऑल पंजाबी सॉन्ग आई लव इट थैंक यू सो मच निधि यही मैसेज देना चाहूँगी कि पैम्परिंग करना बहुत ज़रूरी है हर औरत का हक होता है हर लड़की का हक होता है तो पैम्पर कीजिए अपने आप को मस्ती कीजिए एंड कीप डूइंग माय बर्थडे काउंटडाउन एंड यस एंड एंजॉय एवरी मोमेंट एवरी टाइम लाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल लव योरसेल्फ यस थैंक यू